करंट के 14वें क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे पेरिस ओलंपिक 2024। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? पेरिस ओलंपिक 2024। ओलंपिक प्रतियोगिता पूरे विश्व जगत में होने वाले खेल प्रतियोगिता में सबसे बड़ा खेल प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में जानते हैं कोई एक खेल नहीं खेला जाता है, बल्कि इस प्रतियोगिता में अनेकों खेल खेले जाते हैं। कहीं बैडमिंटन खेला जाएगा, ओलंपिक देखने जाइएगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि हम देखे तो देखे क्या। एक ही समय पर किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में, यानी एक ही ग्राउंड में कहीं पर हाई जंप हो रहा है, कहीं पर लोग 100 मीटर रनिंग कर रहे हैं, कहीं पर लोग 200 मीटर रनिंग कर रहे हैं, कहीं पर लोग भाला फेंक रहे हैं, कहीं पर लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। मतलब कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है कि आपको देखना क्या है। और ओलंपिक में जितने भी देश के खेल प्रतिभागी भाग लेते हैं, वो देश अपने सबसे बेस्ट खिलाड़ी को भेजता है। जैसे भारत ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, भारत के खिलाड़ी कुश्ती खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे, भाला फेंकेंगे, तो भारत में कुश्ती के जो सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है उसे भारत भेजता है। हॉकी के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है उसे भारत भेजता है, उसे भारत भेजता है। ओलंपिक गेम में जब कोई खिलाड़ी पदक जीतता है ना, तो वो सिर्फ उसका पदक नहीं माना जाता है, पूरे देश का पदक माना जाता है, पूरे देश का पदक माना जाता है। और पूरे देश का पदक क्यों माना जाता है जानते हैं? पूरे देश का पदक इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत सरकार सबसे बेहतर कुश्ती खिलाड़ी को सेलेक्ट करता है और उस पर खर्च करता है। तो भारत सरकार जो खर्च करता है वो रुपया आम जनता के द्वारा दिए गए जो कर होते हैं, दिए गए जो टैक्स होते हैं, वही रुपया होता है वो। और ओलंपिक देश की सीमाओं को समाप्त कर देता है। ओलंपिक बंधुत्व का परिचय देता है, भाईचारा का परिचय देता है। और ओलंपिक एक प्रकार से कहिए तो वैश्विक स्तर पर भाईचारा को बढ़ावा देने का काम करता है। और ओलंपिक खेल का आयोजन प्राचीन काल से होता हुआ आया है। और ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। 2024 में पेरिस में, फ्रांस के पेरिस शहर में जो ओलंपिक का आयोजन हुआ है, यह ओलंपिक का 33वां संस्करण है, 33 33वां संस्करण है, 33वां संस्करण है। अगर आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में, एथेंस के यूनान में प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन 1896 ईस्वी में हुआ था। आधुनिक काल में प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन 1896 ईस्वी में यूरोप के एथेंस के यूनान में हुआ था।
यूरोप के एथेंस के यूनान में हुआ था, और तब से लेकर प्रत्येक चार वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेल का आयोजन होता हुआ आया है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 के बीच हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 के बीच हुआ, इस दौरान ओलंपिक खेल थोड़ा बाधित हुआ। नहीं तो इन जनरली प्रत्येक चार वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेल का आयोजन होता हुआ आया है। 33वां ओलंपिक फ्रांस के पेरिस में 2024 में हुआ है, और फ्रांस का पेरिस शहर कुल तीन बार ओलंपिक खेल प्रतियोगिता को आयोजित किया है। मतलब कुल तीन बार फ्रांस के पेरिस में ओलंपिक खेल आयोजित हुए। कुल तीन बार जो आयोजित हुए, पहली बार फ्रांस के पेरिस में ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन वर्ष 1900 ईस्वी में हुआ, 1900 ईस्वी में पहली बार पेरिस में ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। दूसरी बार पेरिस में ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन 1924 में हुआ, 1924 में हुआ, और तीसरी बार पेरिस में ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन वर्ष 2024 में हुआ। मतलब 1924 के ठीक 100 वर्ष बाद 2024 में फिर से पेरिस में ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ। यानी पेरिस में ओलंपिक का आयोजन कुल तीन बार, 1900 ईस्वी, 1924 ईस्वी और 2024 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अब आपको आगे 2028 में ओलंपिक खेल अमेरिका के लॉस एंजिल्स में होना है, 2032 में ओलंपिक खेल ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होने हैं, तो पेरिस में 2024 में जो ओलंपिक खेल हुआ है, इसमें भारत को लेकर क्या क्या विशेष जानकारी है उसकी चर्चा आगे हम आपके साथ करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और आप जानिए कि जो ओलंपिक खेल प्रतियोगिता है, इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा किया जाता है, और जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, यह संस्था 1894 ईस्वी में स्थापित हुआ है, 1894 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति नामक संस्था स्थापित हुई है, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के, यहां पर एक छोटा सा देश है स्विट्जरलैंड, यूरोप में है स्विट्जरलैंड, फ्रांस के पूरब में आइएगा ना और इटली के उत्तर में जाइएगा तो यहां पर एक छोटा सा देश मिलेगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय है।
यह संस्था स्थापित 1894 में हुआ और इसी संस्था के नियंत्रण में ओलंपिक गेम वर्ष 1896 ईस्वी से प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता हुआ आया है। और जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमिटी है, इस कमिटी की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला है नीता अंबानी। और नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमिटी की पहली बार सदस्य बनी थी 2016 में और फिर दोबारा नीता अंबानी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमिटी की सदस्य बनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमिटी में भारत की भी भागीदारी है और भारत नीता अंबानी जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला है जो पहली बार 2016 में बनी थी और दूसरी बार 2024 में बनी है। ओलंपिक खेल से हम भारतीयों को बहुत आशा रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल में भारत ज्यादा से ज्यादा पदक जीते। लेकिन एक बात बताइए, अगर खिलाड़ियों को सही प्रशिक्षण नहीं मिलेगा, सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा, उचित सुविधा नहीं मिलेगा, तो कहां से खिलाड़ी पदक जीत पाएंगे? खिलाड़ी पदक जीत पाएंगे नहीं। भारत में जानते हैं लोग क्रिकेट के पीछे पागल है, सरकार भी क्रिकेट के पीछे पागल है। ओलंपिक में जो गेम है, और ओलंपिक में क्रिकेट है नहीं, अरे शामिल होगा वो अलग ना बात है जी, वर्तमान की बात कीजिए। आप लोग यही ना फ्यूचर में चले जाते हैं। फ्यूचर में जाने से थोड़े कुछ होने वाला है, प्रेजेंट में रहने का प्रयास कीजिए। क्या 2024 में जो ओलंपिक हुआ है उसमें क्रिकेट था? तो हम 2024 के संदर्भ में ना बात कर रहे हैं, आगे क्या होगा कौन देखा है? आगे किसी ने कुछ नहीं देखा है। तो ओलंपिक में आप देखेंगे कि अमेरिका, चीन, जापान जैसे देश काफी बेहतर करता है। उसके पीछे रीजन क्या है जानते हैं? वहां पर खिलाड़ियों को उचित सुविधा, अच्छा मैनेजमेंट, अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, तो इसी वजह से ये सब देश ओलंपिक में बेहतर करता है। और भारत ओलंपिक में बेहतर इसलिए नहीं करता है कि भारत में ना अच्छी ट्रेनिंग की सुविधा दी जाती है खिलाड़ियों को, ना भारत में प्रॉपर स्टेडियम है, जो भी स्टेडियम है सब में तो क्रिकेटे होता है। और दूसरी बात, आप अमेरिका और चीन जैसे देशों के विषय में जब आप पढ़ेंगे, तो अगर अमेरिका ने 100 पदक जीता है ना, 50 को महिले पदक जीतती है, लेकिन भारत में अगर बेटियां खेलने के लिए जाती है तो उस पर समाज कितना लांछन लगाता है। कितना गलत तरह का कमेंट करता है। सानिया मिर्जा अभी तक की भारत की सबसे बेस्ट टेनिस खिलाड़ी रही है, लेकिन उसके रिकॉर्ड की हम लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन शोएब मलिक से विवाह किया, विवाह टूट गया, उसकी बात हम लोग खूब करेंगे। मतलब हम लोग मूल बात को नहीं पकड़ते हैं, उसके छुड़की में लटकते हैं, समझे। कोई भी खिलाड़ी कैसे बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगी? महिला खिलाड़ी, महिला को जब
महिला को जब भागीदारी मिलेगा तब ना जी। अभी खेल में लड़की हो या लड़का, अपने मां बाप को कहिए कि हम जो है जेबलिंग थ्रो सीखेंगे, मतलब भाला फेंक सीखेंगे। मां बाप बोलेगा एक पैसा नहीं देंगे तुमको, यही ना बोलेगा, वही कहिएगा पढ़ेंगे पैसा मिल जाएगा। तो कहां से भारत को पदक मिलेगा, कहां से मिलेगा, थोड़ा सोच के देखिए ना, कहां से पदक मिलेगा। पहले अपने आप को परफेक्ट बनाइए, तब उम्मीद कीजिए चीजों से, चीजों का उम्मीद कीजिए। हम लोग अपने आप को परफेक्ट बनाते हैं नहीं, उम्मीद बड़ा बड़ा पाल लेते हैं, सपना बड़ा बड़ा पाल लेते हैं, तो सपना कहां से पूरा होगा, कभी सपना पूरा नहीं हो सकता है। तो भारत में एक तो खेल में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, जिस वजह से भारत ओलंपिक में बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाता है। लेकिन सरकार को ध्यान देना चाहिए, निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए। 2024 के पेरिस ओलंपिक में अगर आप देखेंगे तो 2024 के पेरिस ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक अमेरिका जीता है। अमेरिका सबसे ज्यादा पदक जीता है, अमेरिका 40 गो स्वर्ण, 44 गो रजत और 42 गो कांस्य। 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य। पहला स्थान अमेरिका का है। दूसरा स्थान पदक तालिका में चीन का है। चीन 40 गो स्वर्ण, 27 गो रजत और 24 कांस्य पदक जीता है, तीसरा स्थान जापान का है। छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है, छोटा सा देश है, भारत के सामने में बच्चा है, लेकिन पदक तालिका में तीसरा स्थान है जापान। 20 स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य पदक जीता है। और अपने भारत के स्थान की अगर आप बात करेंगे ২০২৪ के पेरिस ओलंपिक में 200 से ज्यादा देश भाग लिए, भारत का स्थान है 71। और भारत कुल पदक कितना जीता है जानते हैं? 6। भारत का स्थान है 71। भारत एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाया, एक स्वर्ण पदक का आशा था हम लोगों को गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा से, लेकिन वो भी भारत को स्वर्ण नहीं दिला पाए, वो भारत को रजत दिलाए। भारत टोटल 6 पदक जीता, स्वर्ण एक भी नहीं, एगो रजत, 5 गो कांस्य, कांस्य पदक जीता भारत। पाकिस्तान का स्थान इस पदक तालिका में भारत से अच्छा है, पाकिस्तान का स्थान है 62। पाकिस्तान का स्थान है 62।
भारत का 71वां, जबकि पाकिस्तान जानते हैं मात्र एगो पदक जीता है, मात्र एगो जीता है, पाकिस्तान सिर्फ मात्र एक जीता है और वो स्वर्ण पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक का बड़ी महत्व होता है। तो देखिए, पाकिस्तान सिर्फ एक स्वर्ण पदक, एक पदक जीता है और वो सिर्फ एक स्वर्ण पदक जीता है, और पाकिस्तान का स्थान है पदक तालिका में 62वां। भारत 6 गो जीता है लेकिन स्वर्ण एक भी नहीं जीता है, तो भारत का रैंकिंग है 71वां। मतलब स्वर्ण पदक का कितना महत्व है समझ सकते हैं। मतलब आपके बिहार एसआई एग्जाम के दृष्टिकोण से देखेंगे, अगर आप प्रीलिम्स निकाल लिए तो कांस्य पदक विजेता हो गए, मेंस निकाल लिए तो रजत पदक विजेता हो गए, मेरिट में नाम आ गया तब स्वर्ण पदक विजेता हुए। तो बात भी सही है। तो पदक तालिका में भारत का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे, सबसे अधिक आबादी वाले देशों में भारत शामिल है और पदक 6 गो ला रहा है। कहां से होगा, कहां से होगा, नहीं होगा। जब भारत सरकार से सवाल किया जाता है, विशेष तौर पर विनेश फोगाट से एक आशा और उम्मीद की किरण हम भारतीयों को लगी थी कि भारत को स्वर्ण पदक दिलाएंगी वो, और काफी अच्छा परफॉर्म भी की वो। उन्होंने अपनी लड़ाई भी लड़ी, लेकिन भारत सरकार को जिस तत्परता से विनेश फोगाट से संबंधित बातों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के समक्ष रखनी चाहिए, उस तत्परता से भारत सरकार नहीं रखा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कुछ राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, और उन्हीं के न्यूज को देख करके हम ये बात कह रहे हैं। तो हो सकता था कि भारत को ठीक है स्वर्ण नहीं कांसी मिल जाता, लेकिन नहीं मिला। अब नहीं मिला तो अब उसको लेकर के माथा भी पीटने से कुछ होने जाना न है, समझे, इसलिए माथा भी पीटना न है। लेकिन विनेश फोगाट बहुत शानदार प्रदर्शन की, इसमें कोई शक नहीं है। और क्या विनेश फोगाट जब अपने घर से खेल खेलने के लिए निकली होंगी तो उनका विरोध नहीं हुआ होगा, 100% विरोध हुआ होगा। और कभी कभी जानते हैं, आप युवा हो गए, आप, हमको लगता है जब संविधान में मतदान की आयु 21 वर्ष की गई है तो 21 वर्ष के बाद आपको अपना डिसीजन स्वयं लेना चाहिए, हमको ऐसा लगता है। अपना डिसीजन आपको स्वयं लेना चाहिए। अब गार्जियन से सामंजस्य बैठा करके, पूरी तरीका से गार्जियन का भी विरोध करना सही नहीं ना है, कुछ भी है तो मां बाप है ना, हो आपके भगवान है, आपके सृजन करता है, मां बाप के वजह से ही आप इस पृथ्वी पर आए हैं। तो मां बाप को समझाते बुझाते हुए 18 वर्ष की उम्र के बाद हमको लगता है अपना डिसीजन स्वयं लेना चाहिए। और कहीं कहीं डिसीजन स्वयं लेने में मां बाप रुष्ट भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मां बाप माफ कर देंगे। तो 18 वर्ष के बाद विश्व के अन्य देशों को देखेंगे ना, कोई भी देश अगर विकसित हुआ है तो उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं, और उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। भारत के युवा 30 बरस का हो गया है, माए बाप से पैसा लेगा,
हाथ फैलाएगा। माँ बाप का काम है सिर्फ मैट्रिक इंटर करवा देना, उससे ज्यादा की आशा मत रखिए आप माँ बाप से, समझे। आप लोग तो सौभाग्यशाली है कि माँ बाप आप लोग को पैसा दे रहे हैं। डिसीजन आप लोग स्वयं लीजिए महाराज, क्या होगा, या तो गलत होगा या सही होगा। गलत होगा तो ठीक है, सीखेंगे, सही होगा तो फिर भी ठीक है, समझे। तो अपना डिसीजन आप लोग स्वयं लीजिए। हम एक ये बात कहना चाहेंगे, और भारत, भारत ने जो कुल 6 पदक जीता है, 1 रजत और 5 कांस, उसमें भारतीय हॉकी टीम, भारतीय हॉकी टीम 1 कांस पदक जीता है। अमन सहरावत, स्वप्निल कुसाले, मनु भाकर, सरबजोत सिंह, ये सब लोग पदक जीते हैं, ये सब लोग पदक जीते हैं। और मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीती है, और गौरवशाली बात है भारत के लिए, बहुत गौरवशाली बात है कि एक ही खिलाड़ी एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीती है। लेकिन हम लोग मनु भाकर और कितना अधिक पदक जीते और कितना बेहतर परफॉर्मेंस करे, इसको लेकर बात नहीं करेंगे, इसको लेकर मीडिया नहीं छापेगा। लेकिन मनु भाकर की मां एक बार नीरज चोपड़ा के मां से बात कर ली तो अब भारतीय मीडिया छापेगा, क्या मनु भाकर का नीरज चोपड़ा के साथ विवाह होने वाला है, क्या मनु भाकर की सुंदरता उसे हीरोइन बना देगा, भारतीय मीडिया ही सब छापता है। भारतीय मीडिया अपने सबसे निम्नतम दौर में है, अभी सबसे बुरे दौर में है भारतीय मीडिया। हिंदुस्तान, दैनिक जागरण सब पेपर पढ़ते हैं, कुछ मिलवे नहीं करता है, मतलब जो होना चाहिए पेपर में वो मिलता ही नहीं है, सिर्फ फालतू फालतू चीज। हिंदी मीडिया का तो और बुरा स्थिति है, अंग्रेजी मीडिया भारत की तो थोड़ा सा ठीक भी है कि थोड़ा सा ठीक ठाक काम लायक बात दे देता है, मीडिया का बड़ी गड़बड़ स्थिति है, समझे। बात क्या है जानते हैं, सबसे बड़ी बात क्या है पता है, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की जनता भी, भारत की जनता को भी मिर्च मसाला चाहिए। मनु भाकर कैसे 4 पदक जीत जाए एक प्रतियोगिता में, उसको लेकर अगर कोई मीडिया लिखेगा ना तो पेपर कोई नहीं पढ़ेगा। मनु भाकर का अफेयर किसके साथ है, उसका विवाह किसके साथ होगा, ये खूब पढ़ेगा सब, खूब पेपर बिकेगा। तो पेपर वालों को भी मजबूर, पेपर वालों की भी मजबूरी है, मीडिया की भी मजबूरी है, जनता को चाहिए मिर्च मसाला, मिर्च मसाला परोसता है, समझे। तो बेसिकली हम लोग पेरिस ओलंपिक को ही पढ़ेंगे, पेरिस ओलंपिक। लेकिन आज बहुत शुभ दिन है, शुभ दिन कैसे है थोड़ा बताते हैं और फिर आगे पढ़ाएंगे। देखिए भाषा, भाषा लैंग्वेज, लैंग्वेज का जानते हैं, लैंग्वेज का काफी महत्व है, भाषा का काफी महत्व है, भाषा का काफी महत्व है। जैसे आप हमारे पास पढ़ने आए, अगर हमारा भाषा आपको समझ में नहीं आया तो हम कितना भी बेहतर कंटेंट दे दे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर हमारी भाषा आपको समझ में आ रहा है तो हम कितना भी खराब कंटेंट दे दें फिर भी आपको ठीक ही लगेगा। और भाषा के महत्व को आप इस बात से समझ सकते हैं
कि भाषा के वजह से पाकिस्तान का विभाजन हो गया, भाषा की वजह से पाकिस्तान का विभाजन हो गया, भाषा की वजह से पाकिस्तान का विभाजन हो गया, भाषा की वजह से, भाषा की वजह से पाकिस्तान का विभाजन होकर बांग्लादेश बना। बांग्लादेश जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है, यहां के लोग बांग्ला भाषा बोलते थे और समझते थे, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान पर पश्चिमी पाकिस्तान जबरदस्ती उर्दू भाषा थोप रहा था, उर्दू भाषा थोप रहा था। तो भाषा की वजह से पाकिस्तान का विभाजन हुआ और एक नया राष्ट्र बांग्लादेश बना, और बांग्लादेश बनने का ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कारण भाषा ही है, नहीं, और भी कई कारण हैं, लेकिन उसमें एक कारण भाषा भी है, और भी कई कारण हैं लेकिन उसमें एक कारण भाषा भी है, भाषा भी है। जैसे आपकी सफलता में ऐसा थोड़े होता है कि सिर्फ आपका मेहनत होता है, नहीं, जिस रोज परीक्षा होता है वो दिन आपके लिए कैसा साबित हुआ ये भी होता है, आपकी सफलता में उस दिन का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, आप किस एनवायरमेंट में रह रहे हैं उसका भी योगदान होता है, आपके माता पिता या आपके गार्जियन आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं ये भी आपकी सफलता में एक कारण बनता है। कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं कि जो आपको काफी फ्रीडम देंगे, और कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं जो आप पर प्रेशर बनाएंगे। तो कुछ स्टूडेंट भी खराब होते हैं, फ्रीडम का फायदा उठाता है, फ्रीडम का फायदा उठाता है, स्वतंत्रता का फायदा उठाता है, तो उस प्रकार के स्टूडेंट पर अंकुश लगाना भी जरूरी है। तो कहने का ये है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपकी सफलता में सिर्फ आपके मेहनत का नहीं बल्कि कई सारे तत्वों का योगदान है, होता है, उसी प्रकार से पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश के निर्माण में कई तत्व है, लेकिन उसमें एक है भाषा भी, एक कारण भाषा भी बना है। तो आज है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और हिंदी क्या है, भाषा है, हिंदी भाषा है, और भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वह आपको हिंदी है। अगर आप विश्व, अगर आप भारत के मानचित्र पर आइएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा, झारखंड, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदी बोला जाता है, ये तमाम ऐसे राज्य है जहां पर हिंदी बोला जाता है, हिंदी बोला जाता है। और हिंदी भाषा बहुत धनी भाषा है। सबसे गरीब भाषा की अगर आप बात करेंगे तो सबसे गरीब भाषा है अंग्रेजी। अंग्रेजी में एक चीज के लिए एक ही शब्द है, जैसे पानी, पानी के लिए सिर्फ वाटर है, हिंदी में पानी के लिए अनेकों शब्द है, जल, नीर, पानी और भी बहुत सारा है। तो हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है
कि जो हिंदी भाषा है या भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है, इसका यह मतलब नहीं है कि भारत में अन्य भाषा बोला ही नहीं जाता है। भारत में अन्य भाषाएं भी बोली जाती है। भारतीय संविधान में तो 22 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है, लेकिन उन सैकड़ों भाषाओं में भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोला जाता है। और कहा जाता है कि जब संविधान बन रहा था ना, तो संविधान बनने के क्रम में 14 सितंबर 1949 को, संविधान बनने के क्रम में 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के राजभाषा के तौर पर, राजभाषा हम बोल रहे हैं, राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं बोल रहे हैं, राजभाषा बोल रहे हैं। राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर है। जब आप पॉलिटी पढ़िएगा, राजभाषा आयोग भारतीय संविधान का भाग 17, तो वहां पर हम आपको समझाएंगे राजभाषा राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। थोड़ा सा यहां भी हिंट हम कर देंगे आपको। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर है। राष्ट्रभाषा मतलब एक राष्ट्र, मतलब एक देश की भाषा क्या है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा मतलब एक पूरे देश की भाषा, एक पूरे देश की भाषा। राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब क्या होता है, देश, देश। राष्ट्रभाषा मतलब पूरे देश की भाषा। तो भारत की अगर हम बात करें, संपूर्ण भारत में हिंदी नहीं बोला जाता है। विशेष तौर पर आप दक्षिण भारत आ जाइए, दक्षिण भारत में मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु जैसी भाषाएं बोली जाती है। दक्षिण भारत में हिंदी नहीं बोली जाती है। और हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि यह राजभाषा है। राजभाषा का मतलब काम करने वाली भाषा, काम काज की भाषा, काम काज की भाषा। राजभाषा का मतलब काम काज की भाषा, यानी जिस भाषा में काम हो, जिस भाषा में काम हो, काम काज की भाषा राजभाषा। तो संविधान सभा में यह भी बात उठी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, लेकिन दक्षिण भारत के नेताओं ने इसका विरोध किया। और हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे, बड़ी दूरदर्शी थे, उन्हें इस बात का आभास हो गया कि अगर हम हिंदी भाषा को दक्षिण भारत के लोगों पर जबरदस्ती थोपेंगे तो हो सकता है विभाजनकारी शक्तियां मजबूत हो जाए और भारत का विभाजन ना हो जाए। तो संविधान सभा के सदस्यों ने आपस में सहमति बनाया और कहा कि नहीं, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं होगा, पूरे देश की एक भाषा हिंदी नहीं होगा, बल्कि हिंदी राजभाषा होगा, कामकाज की भाषा होगा, कामकाज की भाषा होगा। और संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के तौर पर देवनागरी लिपि के साथ स्वीकृति प्रदान किया। और यही वजह है कि 14 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और कोई भी दिवस मनाने का जो उद्देश्य होता है, उसको लेकर प्रचार और प्रसार करना, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार देश के भीतर हो, इसी को लेकर प्रत्येक वर्ष
14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 1953 ईस्वी से मनाया जा रहा है। 1953 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष हम लोग 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के तौर पर मनाते हुए आए हैं, और इस बार 2024 में जो हम लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं 14 सितंबर को, मतलब आज जो 14 सितंबर 2024 है, आज जो हम लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं, इसका थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, यानी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2024 में 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस हम लोग मना रहे हैं, इसका थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब हिंदी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने को लेकर प्रेरित कर रहा है 2024 का यह थीम। और अगर आप संविधान की बात करेंगे तो संविधान में टोटल 22 भाग है, 22 भाग में से एक भाग है भाग 17। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 है, उसमें जो अनुच्छेद 351 है, अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास को लेकर प्रोत्साहन की बात करता है। और हिंदी भाषा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहे, बल्कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार विश्व के अलग अलग देशों में भी हो, इसको लेकर विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता रहा है। और जो विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन है, पोर्ट लुइस, पापुआ न्यू गिनी, सिंगापुर जैसे देशों में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ है, ताकि वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हो सके। और जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित हुआ था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित हुआ था। इसी वजह से प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और करेंट में दिवस और उसका थीम, दिवस और उसके थीम की अगर हम बात करें तो करेंट में एक टॉपिक हम आपको ये लिखाए होंगे, और ये लास्ट में आपको जो है बतलाया जाएगा। दिवस और थीम की अगर हम लोग बात करें तो ये लास्ट में जो है आपको बतलाया जाएगा। तो आज का जो दिन है, 14 सितंबर का दिन, राष्ट्रीय हिंदी दिवस का दिन है, और इसीलिए जो है हम आपको बोले हैं काफी अच्छा दिन है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। जो हमारा टॉपिक है वह है पेरिस ओलंपिक 2024, और जो 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ है, जो कि 33वां ओलंपिक है, पेरिस में कुल मिलाकर के 3 बार ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ है। पहली बार 1900 ईस्वी, दूसरी बार 1924 और तीसरी बार 2024। और जो पेरिस ओलंपिक है, इसमें पदक तालिका में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान से भी खराब स्थिति अपने भारत का है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ एक पदक जीता है, लेकिन वह स्वर्ण जीता है। पदक तालिका में जो रैंकिंग निर्धारित होता है वह स्वर्ण पदक के आधार पर निर्धारित होता है, और इसी वजह से पाकिस्तान एक सिर्फ पदक जीता है, और वो सिर्फ स्वर्ण पदक जीता है वही भाला फेंक में जीता है।
लेकिन फिर भी उसका रैंकिंग जो है 62 है, 62, और भारत का पदक तालिका में रैंकिंग है 71वां, 71, जबकि भारत टोटल कितने पदक जीते हैं, 6 पदक जीता है, लेकिन इसके बावजूद जो है भारत का रैंकिंग 71वां है, और उसके पीछे रीजन यही है कि भारत कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता। अगर भारत एक भी स्वर्ण पदक जीत जाता तो भारत का रैंकिंग जो 6 पदक है काफी बेहतर रहता, भारत का रैंकिंग। और जो पेरिस ओलंपिक 2024 है, इसका जो थीम रहा है, थीम रहा है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। इसका थीम रहा है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। और जो पेरिस ओलंपिक है इसमें भारत का जो मुख्य प्रायोजक रहा है, भारत का मुख्य प्रायोजक रहा है अडानी समूह भारत का मुख्य प्रायोजक रहा है, मुख्य प्रायोजक अडानी समूह रहा है, अडानी समूह। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का जो नेतृत्व कर रहे थे वह आपको गगन नारंग। और पेरिस ओलंपिक में उद्घाटन में, पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन में ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरत कमल, वहीं पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक मनु भाकर और पी आर श्रीजेश रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में प्रथम पदक भी भारत को मनु भाकर ही दिलाई है, मनु भाकर 10 मीटर एयर शूटिंग पिस्टल में जो है मनु भाकर भारत को पहला पदक दिलाई है। और भारत जो 6 पदक जीता है उसमें एक रजत है, बाद बाकी सारा कांस्य है। और जो एक रजत पदक मिला है वो नीरज चोपड़ा को मिला है, बाद बाकी सभी को कांस्य पदक मिला है। और भारतीय हॉकी टीम भी कांस्य पदक जीता है, भारतीय हॉकी टीम भी जो है आपको कांस्य पदक जीता है। तो ये सब चीज जो है आप याद रखिए।